नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज एक छोटू सा टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया है, वाटर सप्लाई के रिगार्डिंग। आप देखो, हो सके तो अगर अच्छा लगे तो एंजॉय करना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। क्या है छोटू सा टॉपिक? ये छोटू सा टॉपिक है स्टैंड पोस्ट के बारे में। स्टैंड पोस्ट क्या होता है? पहले फिगर से आप देख लो, ये होता है स्टैंड पोस्ट, ये होता है स्टैंड पोस्ट, ये से सारे स्टैंड पोस्ट हैं। तो इसी के छोटे छोटे टर्म है, ये होता क्या है इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो स्टैंड पोस्ट कहाँ यूज करता है? पब्लिक वाटर सप्लाई के लिए स्टैंड पोस्ट यूज किया जाता है, या कम्युनिटी वाटर सप्लाई के। कहीं ऐसा कोई जगह लोकेशन चौराहा हो, पब्लिक प्लेस हो, या मस्जिद कहीं हो, वहाँ पे दिया जाता है पब्लिक के यूज़ के लिए, कि वहाँ से पानी ले सके, वो यूज कर सके। ठीक, ये हुआ स्टैंड पोस्ट। इसमें दूसरा टर्म आता है FHTC, आप सुने होंगे। FHTC क्या हुआ? फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, टैप का कनेक्शन ऐसा कनेक्शन जिसमें पानी आए, नहीं तो ऐसा नहीं गवर्नमेंट का स्कीम हो और पानी आए नहीं। चलिए, ये तो मजाक की बात है जो कि सच्चाई। HC हाउस कनेक्शन। हाउस कनेक्शन क्या है? सेम चीज़ है, देखो पब्लिक के लिए दिए तो स्टैंड पोस्ट हो गया, ठीक। और अगर हाउस कनेक्शन दिए तो घर घर के लिए पानी आपको देना है ना, तो वही हुआ हाउस कनेक्शन। जब एक घर को आप जोड़ के टैप लगा देते हो, नल लगा देते हो, तो वही एक हाउस कनेक्शन हो गया। दूसरे घर को देते हो दूसरा हाउस कनेक्शन, तीसरे को तीसरे कनेक्शन। ठीक है, ये छोटे छोटे टर्म है, आप हो सके तो समझ लेना। अब जो हाउस कनेक्शन देते हैं वो एक ऑर्डर में देते हैं, क्या क्या पहले क्या लगाएंगे, पहले क्या। देखो, जब हमारा म्यूनिसिपल मेन से ये पाइप आया, ठीक है, तो पहले पाइप के ऊपर में फेरूल लगेगा। फेरूल कुछ इस तरह का होता है, नहीं होता है तो मेरे पास, मैंने एक वीडियो डाला था, आप देखना, बहुत स्लो है, देख लेना, आपके काम आएंगे। फेरूल हुआ, फेरूल से एक फ्लेक्सिबल पाइप रहता है गूजने, वो लगता है, फिर स्टॉप वॉक लगता है, फिर स्टॉप वॉक से फिर मीटर लगता है। ठीक, अब मीटर के बाद आपको या तो टैप लगा लीजिए या फिर आप अपने टैंक को कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इतना चीज़ होती है। ठीक है, अब इसका फोर फिगर लेके आया, ईच एंड एवरी आइटम्स का, वो आप देख लेना। तो ये MCQ भी है, आपको कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली, ये कभी भी नहीं, कई बार पूछ चुका है कि ऑर्डर बताइए किस ऑर्डर में हाउस कनेक्शन किया जाता है, कौन कौन मटेरियल से। पहले फेरूल लगता है, फिर गूजनेट लगता है, फिर कूजनेक से फिर एक कनेक्शन पाइप निकलती है, फिर वो स्टॉप का लगता है, स्टॉप का वाटर मीटर लगता है, फिर बीप हो गया, टैंक में कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब इतनी बातें तो आप समझ चुके हैं। फिर होगा स्टैंड पोस्ट, या तो आप प्रीकास्ट लगा कर सकते हैं या इन सीटू। अब देखिए, जनरली होता क्या है, जब गांव में आप काम करने के लिए जाओगे, रूरल एरिया में 500 घर हैं, अब एक एक घर में जाके कास्ट करोगे तो बहुत सारी समस्या आपको आ सकती है, जैसे मटेरियल को ले लेके जाना, ये मतलब आप सोच नहीं सकते हो कितना आपको समस्या आएगी। ठीक है, कॉस्ट भी बढ़ेगा। इससे अच्छा एक है कि बहुत लोग दिमाग लगाते हैं और एक अपना यार्ड में कास्ट कर लेते हैं, या फिर किसी गांव के एक कोने में कास्ट कर लिया और उसको पूरा का पूरा गांव में डिस्ट्रीब्यूट करके इंस्टॉल कर दिया। ठीक, तो यही है प्रीकास्ट होगा। अब देखते हैं फोटो से, आप समझ लो। ठीक है, तो फोटो से देखो, यही है आपका स्टैंड पोस्ट, ये कहीं पब्लिक प्लेस में है। ठीक है, ये देखो, ये प्लेटफॉर्म है, ये नाला है, इसका ड्रेन है जिससे वो पानी निकलेगा, ये टैप लगा हुआ है। ठीक है, पीतल का ब्रास का टैप लगा हुआ है, देख लेना, ये फिगर बना नहीं रहा। ठीक है, ये फिगर में लगा हुआ, ये एक सपोर्ट के लिए पाइप के लिए कास्ट किया गया है। ठीक है, डिजाइन एंड ड्राइंग के हिसाब से ये बनाया जाता है। आगे देखते हैं, चलिए, ये एक प्रीकास्ट टाइप में है, या फिर बोलो आप सिंपल सा है, जिस जिस डिफरेंट वाटर सप्लाई का, ये इसका प्लेटफॉर्म है जिस पे ये पानी गिर रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी देखो, ये गलत है, देखो, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आगे एक्सटेंड होना चाहिए, इसके ऊपर गिरना चाहिए, एक बेस होना चाहिए जहाँ पे बकेट रख सकते हैं। आगे देखते हैं, ये देखिए, ये भी है, ये ठीक है, ये बना हुआ है इसके सामने। अब यहाँ देखिए, इसमें क्या क्या खामियां हैं ये दिखाते हैं आपको।
एक तो रिक्वायरमेंट हमारा क्या होना चाहिए कि इतनी हाइट पे स्टैंड पोस्ट होनी चाहिए, जो कि आपके ड्राइंग में दिया रहेगा, कि जनरली हम बकेट इसके नीचे रख सकते हैं, और बकेट को रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे देखो, इसने सपोर्ट नहीं दिया, कास्ट नहीं किया, जिसके कारण अगर इस पे कुछ भी एक्स्ट्रा फोर्स आएगा तो ये टूटने के चांसेस 100% है। और एक देख रहे हो कि अभी यहाँ पे गड्ढा सा हो गया है, ये क्यों हुआ है? यहाँ से पानी जो गिर रहा है इसके ऊपर कॉन्क्रीट का, जिसके कारण ये टूट जा रहा है। तो अब इसका भी खामियों को अगर दूर करना है हमें, तो हम क्या करते हैं, आप जानते होंगे चापाकल हैंडपम्प का जो हम प्लेटफॉर्म बनाते हैं, तो चापाकल का जहाँ से वो बूंद बूंद पानी गिरता है, वो हम मार्कआउट कर लेते हैं, और उस एरिया में जब कास्टिंग करते हैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड कर देते हैं, जैसे ब्रिक के ऊपर में जो मार्किंग के लिए डिप्रेशन होता है, उसी तरह गोल सराउंड से। अब क्या होगा, तो यहाँ से जो पानी गिरेगा इसमें स्टोर हो जाएगा, तो डायरेक्ट फोर्स इस कंक्रीट पे लगेगा नहीं, टूटेगा नहीं, छोटी सी बात है। ठीक है, जो कि इम्प्लीमेंट ना के बराबर आपको मिलेगा। ठीक है, और आगे देखते हैं, ये देखिए ये दीवार में दिया गया है, यहाँ हुक लगा के टाइट किया जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये फेरूल से कनेक्ट किया हुआ, ये सैडल है, ये आपका कौन सा पाइप है, ये एचडीपी पाइप है, और ये एमडीपी पाइप है, ब्लू वाला, ये ब्लैक वाला एचडीपी पाइप है। ठीक है, ये फेरूल से कनेक्ट हुआ एचडीपी पाइप, एमडीपी पाइप, ठीक है, एचडीपी पाइप से कनेक्ट हुआ सैडल, सैडल से फेरूल। ठीक है, तो ऑर्डर क्या था हमारा, पहला क्या हुआ, पहला नंबर में हमारा क्या आया, पहला नंबर में हमारा फेरूल आ गया, एक मिनट सर जी, पहला नंबर में हमारा फेरूल आ गया। ठीक, नेक्स्ट में क्या आ रहा है, ये गूजनेक था ना, ये देखो गूजनेक था, लेकिन यहाँ गूजनेक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये गूजनेक पाइप है, ये देख लो गूजनेक है। ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि एमडीपी पाइप खुद ही फ्लेक्सिबल होता है, तो इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, और नेक्स्ट देखो, ये वाटर मीटर है आपका, ठीक है, किस टाइप का है ये सब बाद में जान करेंगे, ये वाटर मीटर है। ठीक है, इसके बाद हमारा टैप कनेक्शन होएगा, ठीक है, होएगा। ठीक है, तो इतना ही है, आगे आगे आप देख लेना एक बार अपने से, ये सब पढ़ लो आप। ठीक है, ये सब पढ़ो आप, FHDC SC, तो छोटू सा टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक फायर हाइड्रेंट के बारे में लेके आऊँगा, और भी है ढेर सारा टॉपिक, ढेर सारे चीज़ें आपको बतानी थी, बता रहा हूँ, जितना मैं सीख रहा हूँ, सीखा हूँ, वो सब सब बता दूंगा। और बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे, पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में, गरीब गरीब आप गरीब हो क्या, कभी सिविल इंजीनियर लिखे हो ना, तो भैया मेरे मेरे दादा मेरे बॉस, ये नहीं गरीब, वो जो आप जो सोच रहे हो उस चीज़ को देख के मैंने चैनल का नाम ये रखा था। मैंने जब फर्स्ट स्टार्टिंग पीरियड में जब मैं नौकरी के लिए गया था, तो बहुत सारी चीज़ें सामना करना पड़ा था, जैसे कि टेक्निकल नॉलेज मेरा वीक था, तो कोई सिखाने वाला नहीं था, बहुत बोलता था, जो बहुत बोलते थे पहले वो भी सीखे होंगे इसी तरह से, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ मुझे सिखाया, चाहे वो डांट के सिखाया हो। तो वो बोलते थे कि कॉलेज में नहीं सीखा तुमने, कॉलेज में प्रैक्टिकल नहीं किया, जबकि कॉलेज और साइट का काफ़ी कुछ डिफरेंट होता है। ठीक है, जो कि आप जो नए पकड़े होंगे, जो भी नए जॉब कर रहे होंगे, उनको ये पता होगा। तो इसलिए मतलब मेरा गरीब का जो सोच था चैनल का, एक तो ऐसे ही कर दिया कि संसाधनों का कमी, मतलब जो टेक्निकल जो नॉलेज के लिए ब्रशअप करने के लिए जो होना चाहिए एबिलिटी, वो नहीं मिली मैं उनको, फ्री में नहीं है, देखते होंगे आप यूट्यूब पे, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे हैं जो बता रहे हैं, फ्री में बता रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ले नहीं पाएंगे उतना, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो मेरे को जितना पता है, मुझे जितना मैंने सीखा है, वो सोचता हूँ मैं यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल करवा दूँ, ताकि अगर 1% को भी हेल्प हो जाए, एक भी स्टूडेंट को हेल्प हो गया, एक भी इंजीनियर को हेल्प हो गया, तो मेरा जो ये यूट्यूब चैनल चलाने का सक्सेस हो जाएगा, जो नियत है।
तो इसीलिए करीब रखा था संसाधनों से कमी, जो हमारा जो लैक ऑफ जो कॉलेज में जो पढ़ते हैं तो पता ही कितना है, जो हमारा जो गैप अप होता है टेक्निकल जो हम एग्जीक्यूट करते हैं साइट को, वो जो था उसको सोच के मैंने करीब रखा था इसका नाम। ठीक है, लोग अदरवाइज लेने लेंगे, अदरवाइज लेना नहीं है, आज का ज़माना है, यूज करो आप, सीखो समझो और आगे ट्रांसफ़र करो। तो इसी के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने आप को जिंदा दिल रखिए, दूसरों का हो सके तो थोड़ा बहुत हेल्प कीजिए, और उससे पहले अपना हेल्प कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर का हेल्प कीजिए, मम्मी पापा का ध्यान रखिए। ओके, जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।